हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो यहाँ हम पहले शेड्यूल से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ली है यूनिट्स, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। यूनिट्स है हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और टोटल यूटिलिटी है 8, 14, 18, 20, 20, 18। अब मार्जिनल यूटिलिटी, आपको फॉर्मूला पता है, मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला है TUN - TUN - 1, कि 8 - 0 हमने जो ऊपर वाली है प्रीवियस वाली से उसको हम डिडक्ट करते जाएंगे तो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगी। नाउ द पॉइंट इज, व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी हमने पढ़ा कि इट इज अ सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। क्योंकि किसी कमोडिटी की अगर हम सारी यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं, उसका सम टोटल करेंगे, दैट इज अ टोटल यूटिलिटी। ठीक, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि एडिशनल यूटिलिटी को कंज्यूम, जो एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से जो हमें एडिशनल यूटिलिटी मिलती है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, हमने टोटल यूटिलिटी का ग्राफ एक बनाया था प्रीवियस वीडियो में, कि टोटल यूटिलिटी का ग्राफ इंक्रीजिंग पर होता है। ठीक है, इस तरीके से बनता है, और मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, तो रिलेशनशिप हम इसमें पढ़ेंगे कि इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है। तो ग्राफ दोनों के सेम है, पहले मैंने सेपरेट बनाए थे लास्ट वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में बस अलग बनाने की जगह मैंने ऊपर नीचे कर दिया कि टोटल यूटिलिटी का ग्राफ ऊपर आ गया है और मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ नीचे आ गया है। तो टोटल यूटिलिटी का है कि ये इंक्रीज हो रहा है और मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो फर्स्ट पॉइंट है कि इनका रिलेशनशिप में हम पढ़ेंगे कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है। इट इज द समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ये समेशन का साइन है, इट इज द समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। अगर हम इसका टोटल करेंगे, इनको टोटल करेंगे तो ये टोटल यूटिलिटी हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड है कि जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है, सो लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव। देखो, आप ग्राफ में देखोगे तो पता चलेगा कि जब जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही थी, वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी हमारी पॉजिटिव थी। पॉजिटिव मतलब कि ओ एक्स एक्सिस से ऊपर थी, इस ओ एक्स एक्सिस की लाइन से ऊपर थी, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव थी। ठीक है, थर्ड आ जाता है कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, देन टीयू इज मैक्सिमम। कि जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है, दिस इज द जीरो, ये पॉइंट जीरो का है, कि जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है तो टीयू क्या होता है, अपने मैक्सिमम पर होता है, सबसे ज्यादा होता है। यू कैन सी इन शेड्यूल आल्सो कि ये देखो, ये जो पॉइंट है, इस केस में यहां पर फोर्थ और फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करने पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम थी। ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाता है कि व्हेन एमयू इज नेगेटिव then TU starts diminishing। कैसे, ये देखो, ये यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो थी, जैसे इसके नीचे आया तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, नेगेटिव। ये जीरो पॉइंट है और इस पॉइंट से नीचे आती मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई। तो अगर आप ऊपर देखेंगे, यहां पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम थी, इसके बाद क्या होगी, ये टीयू हमारा डिमिनिश होना स्टार्ट हो गया। हम शेड्यूल में भी देख सकते हैं कि जैसे ही सिक्स यूनिट कंज्यूम की तो हमारी टोटल यूटिलिटी क्या हुई, कम होनी शुरू हो गई और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट इसमें कि डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी इंप्लाइज दैट टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। कि मार्जिनल यूटिलिटी जब डिक्रीज होती है, जब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है, तब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है ना, टोटल यूटिलिटी वो डिक्रीजिंग रेट पर होती है। डिक्रीजिंग रेट का मतलब है कि वो इंक्रीज तो होती है लेकिन कम उस पर। देखो, स्टार्टिंग में, बिगनिंग में इंक्रीज कैसे हो रही थी, 8, 14, 18। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 8 से जब 14 टोटल यूटिलिटी हुई तो 6 थी, लेकिन जैसे ही 14 से 18 आई तो यूटिलिटी क्या हुई, डिक्रीज होना शुरू हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी 4 हो गई, फिर 18 से 24 से 2 हो गई, यहां पर 0 हो गई और देन माइनस में हो गई।
तो डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या इंप्लाई करता है कि टीयू बढ़ता तो है, इंक्रीज तो होता है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट पर इंक्रीज होता है। ठीक है,